नमस्कार, स्वागत है आपका मीडिया दरबार में। मैं हूं आपके साथ गरिमा अग्रवाल। देश की राजधानी दिल्ली सहित पूरे देश भर में नागरिकता संशोधन कानून को लेकर पिछले दिनों व्यापक प्रदर्शन और हिंसा हुई। इन हिंसक प्रदर्शनों में लगभग 45 लोगों की जान गई। सार्वजनिक व निजी संपत्ति को आग के हवाले कर दिया गया था। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ समेत अलग अलग हिस्सों में भयंकर हिंसा की खबरें सामने आ रही थी। इसी हिंसा के दौरान सार्वजनिक व निजी संपत्ति को बड़े पैमाने पर हानि पहुंचाई गई थी। लेकिन इसके बाद सबसे चौंकाने वाली खबर उत्तर प्रदेश से आई। आगजनी और हिंसा की इन घटनाओं के खिलाफ अभूतपूर्व सख्त कार्रवाई करते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हिंसा में नुकसान की भरपाई दंगाइयों से कराने की पहल की है। देश में पहली बार उत्तर प्रदेश की सड़कों पर होर्डिंग्स और बैनर लगाए गए हैं जिसमें हिंसा फैलाने वाले लोग शामिल हैं। इन उपद्रवियों की सार्वजनिक तौर पर फोटो लगाई गई है और इन बड़े बड़े बैनरों में लिखा गया है कि यदि यह दंगाई तय समय तक जनता के गाढ़े खून पसीने से भरे जाने वाले टैक्स से जो सार्वजनिक संपत्ति या किसी की निजी संपत्ति को भी जिस किसी ने भी नुकसान पहुंचाया है उसकी पहचान करके उस दंगाई की संपत्ति को जब्त करके इस नुकसान की भरपाई की जाएगी। आपको बता दें कि CAA के विरोध की आड़ में बुलंदशहर के ऊपर कोट मोहल्ले में 20 दिसंबर को उन्मादी भीड़ ने कोतावली देहात इंस्पेक्टर अखिलेश कुमार की जीप फूंक दी थी। आगजनी में स्कूटी भी जलाई गई। पुलिस की ओर से वायरलेस सेट और एंटी रॉयड गन को भी लूट लिया गया था। बता दें कि विरोध प्रदर्शन के दौरान सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाले 498 लोगों को नोटिस जारी हो चुका है। शासन की तरफ से कहा भी ये गया है कि जल्द से जल्द दंगाइयों की संपत्तियों को जब्त करने की सख्त कार्रवाई होगी। योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर अधिकारियों ने उपद्रव करने वालों की पहचान करने के साथ नुकसान की वसूली की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। उत्तर प्रदेश के बाद देश की राजधानी दिल्ली भी इसी हिंसा की आग में झुलसी थी। दिल्ली के शाहीन बाग, जाफराबाद, चांद बाग में CAA को लेकर विरोध प्रदर्शन चल रहा था। इस बीच हिंसा भड़क गई। इस हिंसा में अब तक 46 लोगों की मौत हो गई है और 250 से अधिक लोग घायल हैं। इस हिंसा में जान माल और संपत्ति का भारी नुकसान हुआ है। हिंसक भीड़ ने घरों, दुकानों, वाहनों और पेट्रोल पंप में आग लगा दी थी और स्थानीय लोगों और पुलिस कर्मियों पर पथराव किया था। जिस प्रकार उत्तर प्रदेश में दंगाइयों से नुकसान की भरपाई की कार्यवाही की गई है, ऐसी ही सख्त कार्रवाई अब दिल्ली में भी करने की मांग अब जोर पकड़ रही है। दिल्ली के अधिकांश लोगों ने ऐसी सख्ती का पुरजोर समर्थन किया है। आपको बता दें कि हिंसा के दौरान किसी भी सार्वजनिक संपत्ति को किसी भी प्रकार से नुकसान से बचाने के लिए धारा 3(1) के तहत कानून बनाया गया है। इस कानून के मुताबिक यदि कोई भी व्यक्ति किसी सार्वजनिक संपत्ति को हानि पहुंचाएगा तो उसे धारा 3(1) के तहत कम से कम 6 माह की कारावास और अधिकतम 5 वर्ष की कारावास और जुर्माने के साथ दंडित किया जाएगा। हाल ही में उत्तर प्रदेश, दिल्ली, पश्चिम बंगाल और असम के कुछ हिस्सों में इसी प्रकार की हिंसा देखने को मिली जहां सार्वजनिक व निजी संपत्ति को भारी नुकसान पहुंचाया गया। एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते हम सबका यह दायित्व बनता है हम ना तो ऐसी हिंसात्मक गतिविधियों का हिस्सा बने ना ही इसको बढ़ावा दें। स्वस्थ भारतीय लोकतंत्र में अपनी बात कहने या अपनी अभिव्यक्ति को जाहिर करने के और भी तरीके उपलब्ध हैं। इस तरह की हिंसा में न केवल संपत्ति को नुकसान पहुंचता है बल्कि टैक्स अदा करने वाले नागरिकों के धन का भी नुकसान होता है। सरकार के खर्चों पर बोझ बढ़ता है और अशांति फैलती है और सभी नागरिकों का जीवन भी प्रभावित होता है। आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मुलाकात होगी किसी नए वीडियो में। हमारे सभी दर्शकों के लिए एक विशेष सूचना, आप हमारा ये वीडियो यदि फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कीजिए और आप हमारा ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।